हेलो फ्रेंड्स, ये मैं सुधीर और मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाला है एक डिजीज के बारे में, वो है टाइफाइड डिजीज। दोस्तों, ये डिजीज क्या होता है, किसके थ्रू स्प्रेड होता है और कैसे स्प्रेड होता है, यानी कि उसका ट्रांसमिशन क्या होने वाला है, उसका सिम्टम क्या होने वाला है, उसका डायग्नोसिस हम क्या करें और उसका प्रिवेंशन के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टाइफाइड क्या होता है? दोस्तों, टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है। बैक्टीरिया का मतलब होता है एक सिंगल सेल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसका लॉन्ग शायद 1 mm होता है। दोस्तों, ये टाइफाइड डिजीज एक रॉड सेफ लाइक बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है। क्या का नाम होता है? साल्मोनेला टाइफी। ये ज्यादातर ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे स्प्रेड करता है, एक पर्सन को कैसे जाता है। दोस्तों, ये साल्मोनेला टाइफी यानी कि बैक्टीरिया आपके जो फेसेस होता है उसके थ्रू आपकी बॉडी तक जा सकता है। जब आपकी बॉडी ये ज्यादातर फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, फूड एंड वाटर के थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है। एक पीरियड आता है, उसे बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। एक टर्म होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री करेगा तब से जब आपकी सिम्टम दिखाई देगा उस तक का जो पीरियड होता है, उस तक का जो सफर होता है, उसे बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ज़्यादातर इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों 1 से 3 वीक यानी कि 1 महीने के अंदर, और ऑलमोस्ट 2 वीक होता है, जैसे 15 दिन के अंदर भी आपको इस बैक्टीरिया का जो सिम्टम दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया ज़्यादातर फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, आपको मैं पहले बता दिया हूँ। जब आपका फेसेस होता है आउटसाइड में पुट करते हैं, फेसेस का मतलब होता है स्टूल। जब आप इस आपकी फेसेस को आउटसाइड में पुट आउट करते हैं तब आपकी हाउस फ्लाई के थ्रू उसका पाथोजन यानी कि बैक्टीरिया का पाथोजन आपकी फूड या आपकी वाटर या आपकी जो भी होता है सर्विंग फूड में वो एंट्री करता है। जब आपको इसको इंटेक करते हैं तो आपका बॉडी में वो जो बैक्टीरिया का पाथोजन होता है वो जाके आपका बॉडी में क्या इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन नजर आता है, तब आपको आपके सिम्टम दिखाई देता है। दोस्तों, जब आप इस बैक्टीरिया से शिकार होंगे तो आपको कौन सा सिम्टम दिखने के लिए मिल सकता है? दोस्तों, आपका जो इन्फ्लामेशन आएगा कहाँ पे? आपका इलियम एंड कोलोन पे। इलियम का मतलब होता है दोस्तों जो इंटेस्टाइन का अपर पार्ट को बोला जाता है इलियम, एंड कोलोन का मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो होता है कोलोन। दोस्तों, आपका इलियम एंड कोलोन पे इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन नजर आएगा, रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नजर आएगा। उसके साथ साथ आपका लिवर पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपका स्प्लीन पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। उसके साथ साथ आप बहुत सारा कॉमन सा साइड इफेक्ट नजर आएगा, जैसे कि डायरिया हो सकता है। उसके साथ साथ टाइडनेस, कंटिन्यूसली टाइडनेस हो सकता है, कंटिन्यूसली फेवर हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपका थ्रोट में स्वेल हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, आपको कोई भी खान पान में प्रॉब्लम हो सकता है। इन सारे साइड इफेक्ट आपको शिकार होना पड़ सकता है। जब आपको ये सारे साइड इफेक्ट नजर आएगा तो आपको कौन सा डायग्नोस्टिक करना चाहिए? दोस्तों, वेडल टेस्ट आता है, WIDALTEST वेडल टेस्ट आता है। इस टेस्ट के थ्रू आप कंफर्म हो सकते हैं से इफेक्टेड है या नहीं। इस टेस्ट करने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको कौन सा प्रिवेंशन एंड कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो प्रिवेंशन में आपको एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। हाइजीनिक लाइफस्टाइल का मतलब होता है आप भी जो भी खान पान कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों से कंटामिनेशन ना हो, हैंड टू हैंड बहुत ज़्यादा लोगों से कंटामिनेशन ना हो, एंड आप जो पानी पी रहे हैं तो वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि ल्यूक वार्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसे आप वार्म वाटर इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका इंटेस्टाइन जो आपके डाइजेशन सिस्टम को बेटर कर सकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो आप वाटर पुश आउट करते हैं वेस्टेड वाटर पुश आउट करते हैं वो ज़्यादा रीयूज ना हो, इसके लिए ध्यान रखें। और आपका रिड्यूस करना पड़ेगा आपका फूड की हाइजेनिक पे, मतलब आपकी फूड में कोई भी हाउस फ्लाई नहीं बैठना चाहिए। और साथ साथ आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आपकी जो घर होता है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हाउस फ्लाई ज़्यादा एंट्री ना करें, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारा होता है उसका प्रिवेंशन, ये सारा प्रिवेंशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट में लेना पड़ेगा टीएवी वैक्सीन का मतलब होता है दोस्तों टाइफाइड वैक्सीन। आप अगर ये वैक्सीन एक बार लेते हो तो आपका इम्यूनिटी पावर 3 साल तक ये बरकरार रखेगा, ये डिजीज से आपको रोक के रखेगा, 3 साल तक इसका जो पावर होता है इम्यूनिटी का बरकरार रखेगा। और साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक आपको इंटेक करना पड़ेगा, एंटीबैक्टीरियल एंपीसिलिन यूज कर सकते हैं, एंपीसिलिन इंटेक कर सकते हैं उस। और साथ ही साथ आप क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, एम्पीसिलिन के साथ साथ क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए प्रीफर किया जाता है टाइफाइड डिजीज का। दोस्तों, ये रहा टाइफाइड डिजीज के
कौन सा सिम्टम, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा प्रिवेंशन और कैसे आपकी बॉडी में एंट्री करता है और कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, इन सारे के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी मदद होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बोलते रहें जय महाकाल।